Hello everyone, welcome to GATE Academy. In this lecture, we will solve some GATE problems which were asked in the year of 2009 for 4 marks. Actually, there are 2 parts of this question. So, total 4 mark ke liye question pucha gaya tha 2009 mein. Ye jo question hai, it is based on your primary consolidation topic. How to calculate the consolidation settlement in the given soil बिलो द बेस ऑफ फुटिंग. सो उस पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम यहाँ पर ले रहे हैं. जो पहले तो मैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूँगा, देन वी विल सॉल्व द सेकेंड पार्ट. क्वेश्चन मैं यहाँ पर रीड करता हूँ. अ सेचुरेटेड अनडिस्टर्ब सैम्पल फ्रॉम क्ले स्टेटा हैज़ मॉइस्चर कंटेन 22.22% एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ 2.7. एज्यूमिंग गामा डब्ल्यू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, द वॉइड रेशियो इन दिस सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द क्ले रिस्पेक्टिवली आर. हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें क्या निकालना है, वॉइड रेशियो एंड गामा सैचुरेटेड. तो पहले मैं ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ, देन वी कैन सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट. तो देखते हैं, सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिखता हूँ. जो मुझे वाटर कंटेंट दिया गया है, वाटर कंटेंट दे रखा है 22.22% दिया है. देन दे हैव गिवन स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7. एज्यूमिंग द यूनिट वेट, अच्छा यूनिट वेट दे रखा है कितना, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. वॉइड रेशियो निकालना है, गामा सेचुरेटेड निकालना है. ये दो वैल्यूज हमें निकालना है. देखते हैं, मैं जानता हूँ एक रिलेशन ES इक्वल टू WG. वॉइड रेशियो E क्या है, वॉइड रेशियो है. S क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन है. स्मॉल W जो वाटर कंटेंट है. G है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स. तो मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख देता हूँ. E वॉइड रेशियो निकालना चाहते हैं. आप देखिए, जो सॉइल उन्होंने दिया है क्वेश्चन में, आप देखेंगे असैचुरेटेड अनडिस्टर्ब. सॉइल क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड है. सो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो जाएगा. वाटर कंटेंट 22.22% है. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.2222 पर वैल्यू और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7. आप यदि इसको सॉल्व करते हैं तो आपको वैल्यू मिलता है वॉइड रेशो का इक्वल टू 0.6. ठीक है, तो यहाँ पर हमें वॉइड रेशो का वैल्यू मिल चुका है 0.599 मिलेगा. मीन्स 0.6 आपको मिल चुका है वैल्यू ऑफ वॉइड रेशो. अब मुझे गामा सेचुरेटेड का भी एक फॉर्मूला याद है, विच इज इक्वल टू जी प्लस ई एस डिवाइड बाय 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू. ये तो बल्क यूनिट वेट का होता है एक्चुअल फार्मूला. यहाँ पर डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाता है हमारे पास, 1, क्योंकि फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल के लिए हम गामा सेचुरेटेड कैलकुलेट कर रहे हैं. तो मेरे पास मतलब फार्मूला है जी प्लस ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू. ये फार्मूला है. तो इसके अंदर रख देते हैं, जी मेरे पास 2.7 है, ई मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ कितना आया है 0.6 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.6 यूनिट वेट ऑफ वाटर. उन्होंने कहा है यू कैन टेक द वैल्यू 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यदि इफ दे डोंट मेंशन द वैल्यू ऑफ गामा डब्ल्यू 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, देन यू शुड टेक 9.81. ओके, तो यहाँ पर मैं आंसर निकालता हूँ इसका. तो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिलता है 20.625. तो यहाँ पर मुझे यूनिट वेट मिल चुका है 20.625 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, विच इज़ द वैल्यू ऑफ गामा सेचुरेटेड. तो ये हमें मिल चुका है, वॉइड रेशियो भी मिल गया है और गामा सेचुरेटेड भी पूरी तरीके से यहाँ पर हमें मिल चुका है. तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है. तो यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ, आपका जो आंसर होगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर सी होगा. ठीक है, ये हो गया 2009 का 2 मार्क्स का प्रॉब्लम. इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वो मैं रीड करता हूँ अब. यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ क्ले लेयर डिराइव्ड फ्रॉम द अबो इक्वेशन, द कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ द सेम क्ले लेयर अंडर ए स्क्वायर फुटिंग नेग्लेक्टिंग द सेल्फ वेट विथ एडिशनल डेटा शोन इन द फिगर बिलो. एज्यूम द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एज 1 हॉरिजॉन्टल टू 2 वर्टिकल फ्रॉम द एज ऑफ द फुटिंग एंड द गामा डब्ल्यू सेम 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब इज. तो आप देखेंगे क्वेश्चन में अब हमें क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है जिसके अंदर, और वो फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है. आप देख सकते हैं वो फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है. ठीक है, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं फिगर क्या है, कि एक फुटिंग दे रखा है जिसके ऊपर
200 किलोन्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एक पॉइंट लोड लग रहा है और आपको 2 मीटर डेप्थ तक सेचुरेटेड सैंड अवेलेबल है और उसके बाद 1 मीटर डेप्थ पर स्टिफ क्ले अवेलेबल है। मुझे जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैलकुलेट करना है, मैं जानता हूँ हमने प्रीवियस वीडियोस में भी, प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी बार डिस्कस किया है कि जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट है इट विल बी कैलकुलेटेड बिलो द बेस ऑफ फुटिंग, वन थिंग, इट विल बी कैलकुलेटेड ओनली इन क्ले लेयर, सेकेंड थिंग, एंड इट विल बी कैलकुलेटेड एट द मिड हाइट ऑफ द क्ले लेयर, थर्ड थिंग। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको जो सेटलमेंट कैलकुलेट करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है मिड हाइट ऑफ क्ले लेयर पर। तो इस थिकनेस पर, इस जगह पर, इस वाली सॉइल में मुझे कैलकुलेट करना है आपके कंसोलिडेशन सेटलमेंट। अब बात आती है कि कंसोलिडेशन सेटलमेंट के मेरे पास 3 फार्मूले थे जो हमने डिराइव किए थे, उनमें से कौन सा फार्मूला यूज़ करूं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे कंप्रेशन इंडेक्स दिया गया है, मतलब मुझे फार्मूला नंबर बी यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिख देता हूँ, फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला है डेल्टा एच इक्वल टू, फार्मूला बनता है एच नॉट सी सी लॉग बेस 10 सिग्मा 1 बार प्लस प्लस डेल्टा सिग्मा बार होल डिवाइड बाय सिग्मा 1 बार एंड होल डिवाइड बाय 1 प्लस ई नॉट। क्या फॉर्मूला बना है, एच नॉट सी सी लॉग बेस 10 सिग्मा 1 बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार डिवाइड बाय सिग्मा 1 बार होल डिवाइड बाय 1 प्लस ई नॉट को। इस तरीके से आपके पास क्या है, एक फॉर्मूला अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 1 बाय 1 सभी वैल्यूज में कैलकुलेट करूँगा। बात करते हैं एच नॉट की, इनिशियल थिकनेस ऑफ क्ले लेयर होता है एच नॉट। क्या है यहाँ पर थिकनेस, आप देख सकते हैं 1 मीटर अवेलेबल है स्टिफ क्ले का। ये सेंड से मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि कंसोलिडेशन सेटलमेंट में हमेशा क्ले में कैलकुलेट करूँगा, तो मुझे पता लग चुका है ये जो थिकनेस है ये है 1 मीटर। चलिए एच नॉट पता लग गया। सी सी की बात करते हैं, सी सी फिगर में ही दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है 0.4, सो ये मैं रख देता हूँ यहाँ पर 0.4। चलिए उसके बाद ई नॉट की बात करते हैं। अभी मैंने यही क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था इस जगह पर, तो मैंने क्या निकाला था, वॉइड रेशो निकाल चुका हूँ। वॉइड रेशो का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा था, और ये क्ले सॉइल में मैंने कैलकुलेट किया है तो गामा सेचुरेटेड कितना आ रहा है, 20.625। तो ये दो प्रॉपर्टीज मुझे क्या करना है, यूज़ करना है, ये क्वेश्चन में मेंशन है सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास इस जगह पर जो सेचुरेटेड यूनिट वेट है इसका, इस सॉइल का जो सेचुरेटेड यूनिट वेट है वो कितना है दिया गया है, मैंने कैलकुलेट कर लिया है 20.625 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का, ठीक है। ये मुझे यूज़ करना है। तो वॉइड रेशो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, कितना आ रहा है मेरे पास वैल्यू ऑफ वॉइड रेशो, 0.6 का। चलिए ठीक है, और क्या बचता है, सिग्मा 1 बार। बात करते हैं सिग्मा 1 बार की, तो सिग्मा 1 बार इज द इफेक्टिव प्रेशर। कहाँ पर तक निकालते हैं, हमने पिछले वाले वीडियोस में भी एक गेट का प्रॉब्लम सॉल्व किया था तो मैंने आपको बताया था दिस इफेक्टिव स्ट्रेस वी ऑलवेज कैलकुलेट एट द मिड हाइट ऑफ द क्ले लेयर। तो क्योंकि मैं कंसोलिडेशन सेटलमेंट ही मिड हाइट ऑफ द क्ले लेयर कैलकुलेट करता हूँ, तो ये रहा आपका मिड हाइट ऑफ क्ले लेयर। तो इस जगह पर मुझे क्या करना है, कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैलकुलेट करना है, तो इस जगह तक ही मैं इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करूँगा। तो इस जगह तक का मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ तक मैं कैलकुलेट करता हूँ, कहाँ से, टॉप से लेके यहाँ तक। तो देखते हैं टॉप से लेकर यहाँ तक की लेयर तक कितना इफेक्टिव स्ट्रेस बनता है। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर कि 2 मीटर डेप्थ तक जो यूनिट वेट अवेलेबल है वो 18 अवेलेबल है 2 मीटर डेप्थ तक, और उसके बाद ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर मिड हाइट ऑफ क्ले लेयर तक ये कितनी है मेरे पास, ये 1 मीटर था टोटल, तो ये है 0.5 मीटर। तो उसके लिए यूनिट वेट कितना अवेलेबल है, 20.625। वाटर टेबल अवेलेबल है टॉप पर, तो पोर वाटर प्रेशर भी लगेगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस मैं लिख दूँ यहाँ पर, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर कितना बन रहा है, टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस बन रहा है 18 × 2 प्लस 20.625 × 0.5। ये बन गया मेरे पास टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर कितना बन रहा है, पोर वाटर प्रेशर बन रहा है 2 प्लस 0.5 × पोर वाटर प्रेशर 10। ये बन गया आपका टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर।
टोटल स्ट्रेस कैसे निकाला मैंने, टोटल स्ट्रेस देखते हैं। टोटल स्ट्रेस निकाला 18 इंटू दिस डिस्टेंस 2 प्लस 20.625 इंटू 0.5। पोर वाटर प्रेशर कैसे निकाला, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी डिस्टेंस कितनी बन रही है, यहाँ से यहाँ तक 2 प्लस यहाँ से यहाँ तक 0.5, 2 प्लस 0.5 2.5 इंटू यूनिट वेट मुझे दिया गया है 10। सो पोर वाटर प्रेशर निकालने के लिए 2 प्लस 0.5 इंटू 10 लगा दिया मैंने। देखते हैं कितनी वैल्यूज आती हैं इफेक्टिव स्ट्रेस की यहाँ पर। सो 18 इंटू 2 प्लस 20.625, 18 इंटू 2 प्लस 20.625 इंटू 0.5 माइनस 2 प्लस 0.5 इज 2.5 इंटू 10 मीन्स 25। तो यहाँ पर मुझे जो इफेक्टिव प्रेशर मिला है वो मिल रहा है 21.3125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। तो चलिए मेरे पास देखिए एच नॉट हो गया, सी सी हो गया, ई नॉट हो चुका है, सिग्मा वन बार भी हो चुका है। इस इक्वेशन में रखने के लिए अब मुझे सिर्फ और सिर्फ डेल्टा सिग्मा बार चाहिए। तो अब मुझे निकालना है वैल्यू डेल्टा सिग्मा बार की। यदि आप हमारा पिछला लेक्चर देखेंगे तो पिछले लेक्चर में जो मैंने गेट का प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें मुझे डेल्टा सिग्मा बार का वैल्यू ऑलरेडी पता था, उन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा था। यदि आप हमारा पिछला गेट प्रॉब्लम देखते हैं तो अभी यहाँ पर मुझे डेल्टा सिग्मा बार का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन उसके बदले उन्होंने क्या दे रखा है, उन्होंने फुटिंग पर लोड दे रखा है, फुटिंग पर लोड दे रखा है 200 किलो न्यूटन का। देन हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा सिग्मा बार। इसी के साथ में उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, यदि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो इन द क्वेश्चन दे हो गिवन, जो आपको लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है ये 200 किलो न्यूटन, उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्लोप है दैट विल बी 2 वर्टिकल टू 1 होराइजोंटल। तो आपको यहाँ पर फिगर में भी आप देख सकते हैं एंड क्वेश्चन में भी दिया गया है 2 वर्टिकल है 1 होराइजोंटल है। तो आप 2 वर्टिकल 1 होराइजोंटल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करिए, देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ से जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है ये कुछ अच्छा, कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, मिड हाइट ऑफ द क्ले लेयर तक, क्योंकि मुझे जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैलकुलेट करना है वो मिड हाइट ऑफ क्ले लेयर तक करना है। इसलिए जितना भी मैं परफॉर्म करने वाला हूँ एक्सरसाइज यहाँ पर वो मुझे मिड हाइट ऑफ द क्ले लेयर तक करना है। यहाँ से मैंने ये एक लोड डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ से मैंने ये एक लोड डिस्ट्रीब्यूट किया, कर दिया लोड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अच्छा, लोड जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने क्या देखा कि इस लाइन का स्लोप कितना है, इस स्ट्रेस का इसका मतलब स्लोप कितना बन रहा है, ये बन रहा है 2 वर्टिकल 1 होराइजोंटल, ऑलरेडी इट इज़ गिवन इन द प्रॉब्लम, ठीक है। 2 वर्टिकल 1 होराइजोंटल का स्लोप बनाते हुए मैंने लोड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब देखिए, आप देखेंगे यदि क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या होती है, दिस डिस्टेंस इज द विड्थ ऑफ द फुटिंग है हमारे पास। तो ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज़ द विड्थ ऑफ फुटिंग, जो 2x2 दिया है मतलब स्क्वायर फुटिंग है, तो विड्थ हो गई 2 मीटर। अब यदि इस लाइन को मैं यहाँ पर ड्रैग करूँ, इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो आप देखिए मिड हाइट ऑफ क्ले लेयर पर कितनी डिस्टेंसेस मेरे पास अवेलेबल है। तो आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना बन रहा है, आप देखिए ध्यान से, मैंने वर्टिकल इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लोड डिस्ट्रीब्यूट किया है बिलो द बेस ऑफ फुटिंग, तो मैंने कितने डिस्टेंस कवर करी है वर्टिकली। तो मैंने वर्टिकली देखिए 1 मीटर तो ये कवर किया और आधा मीटर 0.5 ये कवर किया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने टोटल कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है, ये टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया है 1.5 मीटर का। यदि 1.5 वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता हूँ तो स्लोप के हिसाब से 2 वर्टिकल इज़ टू 1 होराइजोंटल, हाफ डिस्टेंस मतलब इसका हाफ इधर कवर किया होगा, तो मतलब मैंने यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस मैंने यहाँ पर कवर किया है इसका हाफ मतलब 0.75 मीटर। इन द सेम फैशन मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस जगह से मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में मैंने डिस्टेंस ये जो वर्टिकल कवर किया था वो डिस्टेंस मैंने कवर किया है सेम 1.5 मीटर का। तो 1.5 मीटर का हाफ मुझे यहाँ कवर करना होगा क्योंकि स्लोप ही इस तरीके से बना है 2 वर्टिकल 1 होराइजोंटल, तो यहाँ पर मैंने कवर किया है डिस्टेंस 0.75 मीटर का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलरेडी मेरे पास डिस्टेंस कितनी अवेलेबल है बेस ऑफ द फुटिंग 2 मीटर की। तो मैंने क्या किया, मुझे ये जो लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है
इसका बेस पे कितना एरिया अवेलेबल है, कहाँ तक लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो बेस का पूरा एरिया मेरे पास अवेलेबल है। आप चाहे तो इसको कुछ इस फैशन में मैं डायग्राम के फॉर्म में बना सकता हूँ कि ये आपकी कुछ फुटिंग रही होगी कुछ इस फैशन में कि ये 2 मीटर क्रॉस 2 मीटर की एक स्क्वायर फुटिंग है जिसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस फैशन में बना है। यहाँ पर इस फुटिंग पर के सीजी पर एक लोड लग रहा था 200 किलो न्यूटन का, और ये आपका लोड इस फैशन में क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस तरीके से। क्लियर? तो ये समझने की बात है कि जनरली यदि बेस पर हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर फुटिंग के बेस पर, तो हम क्या करते हैं, दिस लोड डिवाइड बाय एरिया ऑफ फुटिंग। लेकिन मुझे ये प्रेशर कहाँ पे कैलकुलेट करना है, मिड हाइट ऑफ द क्ले लेयर पर। तो ये डिस्टेंस वर्टिकली कितनी जा रही है, ये डिस्टेंस वर्टिकली, ये बेस ऑफ द फुटिंग था तो ये डिस्टेंस वर्टिकली जा रही है 1.5 मीटर। ठीक है, ये आ गया, आप इस जगह पे आप कहाँ पर पहुँच चुके हैं, मिड हाइट ऑफ क्ले लेयर पर पहुँच चुके हैं। इस लेवल पर मिड हाइट ऑफ क्ले लेयर में लिख देता हूँ, इस जगह पर आप पहुंच चुके हैं। तो आप देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि फुटिंग का साइज कितना है, 2 मीटर, ये रहा 2 मीटर, ये कितना मिला मुझे 0.75, ये भी कितना मिला 0.75। ये तो मैंने एक साइड का बात किया, यदि इस साइड की मैं बात करूं तो यहां पर भी मेरे पास ये यहां से यहां तक ये कितना बन रहा है, 2 मीटर का बेस है इसका, और ये साइज कितना हो गया 0.75, ये भी कितना हो गया 0.75। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई फ्रस्टम, ये एक कोन बन चुका है, फ्रस्टम ऑफ कोन जिसको हम कहते हैं जनरली। तो ये जो डायमेंशन है वो हो गया है 0.75 प्लस 2 प्लस 0.75 विच इज 3.5 मीटर। यहाँ पर भी यदि मैं देखूँ तो ये कितना बन चुका है, यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर। अब बताओ यदि इस बेस का एरिया यदि मुझे निकालना है, ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 3.5 × 3.5, विड्थ इंटू लेंथ, यही होता है स्क्वायर का या रेक्टेंगल का। तो क्या बन जाएगा, डेल्टा सिग्मा बार का वैल्यू मैं लिख देता हूँ, लोड डिवाइड बाय एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपका जो लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो जिस लेवल पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वहाँ का जो एरिया अवेलेबल है वो आपको लिखना है। तो लोड कितना है मेरे पास, लोड दिया गया है मेरे पास 200 किलो न्यूटन का, और एरिया अभी मैंने आपको बताया 3.5 × 3.5, सो ये रहा 3.5 × 3.5 का। तो देखते हैं कितना इसका वैल्यूज मिल रहा है मुझे। सो 200 डिवाइड बाय 3.5 स्क्वायर लिख दूं मैं तो मुझे वैल्यूज मिल जाती हैं यहाँ पर 16.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे किसका वैल्यू मिल चुका है, डेल्टा सिग्मा बार का भी, सभी वैल्यूज मेरे पास आ चुके हैं। बस अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में रखना है। तो चलिए इस इक्वेशन में मैं रख देता हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच नॉट हो गया 1, सीसी हो गया 0.4, लॉग बेस 10 कितना बन रहा है, सिग्मा वन बना था आपका 21.3125 प्लस डेल्टा सिग्मा बार बनाए 16.33 डिवाइड बाय 21.3125 होल डिवाइड बाय 1 प्लस वॉइड रेशो हमारे पास बना था 0.6। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपको मीटर में मिलने वाले हैं, तो आपको इसके अंदर 1000 से मल्टीप्लाई करके mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर जो डेल्टा एच का वैल्यू मिला है मीटर में वो मिल रहा है 0.06175 मीटर। मुझे आंसर किस में चाहिए, mm में, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो डेल्टा एच मुझे मिला है 61.75 mm। सो ये आ चुका है मेरे पास आंसर। देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है,
सो एग्जैक्टली आपका आंसर आ रहा है 61.75 mm. सो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी. तो ये जो डेल्टा एच बता रहा है ये हमने प्राइमरी कंसोलिडेशन में अल्टीमेट सेटलमेंट निकाला है जो कि 100% कंसोलिडेशन ऑकर होने के बाद, 100% प्राइमरी कंसोलिडेशन ऑकर होने के बाद आपको वैल्यू ये वाला मिलने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंसोलिडेशन पे बेस्ड ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है. आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस लेक्चर. थैंक यू.